स्वागत है मित्रों, आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम के डैड को देखते हैं जो अपना घर का दरवाजा खोल कर कह रहे थे कि वेलकम जी वेलकम, आप लोग आ गए। और दरवाजे के दूसरी तरफ हम टैन बाईजिन और डोडो को देखते हैं जहां बाईजिन कह रहा था कि परेशानी के लिए माफ कर दीजिएगा। सैम के डैड कहते हैं कि परेशानी की तो कोई बात ही नहीं, आप लोग अंदर तो आइए। फिर वो तीनों सैम के घर के अंदर चले आते हैं और डोडो आते ही सैम के साथ खेलने के लिए चला जाता है। सो बाईजिन टैन को सैम के घर इसलिए लेकर आया है जैसा कि रिंग ने कहा था बाईजिन से कि टैन को उसके सास ससुर से मिलाने से पहले नया नवेली दुल्हन की तरह तैयार किया जाए और उसे सिखाया जाए कि जब नया नवेली दुल्हन पहली बार अपनी ससुराल जाती है और अपना सास ससुर से मिलती है तो वो क्या क्या करती है। और ये सारी चीजों को ही जानने के लिए बाईजिन टैन को सैम के घर लेके आया है क्योंकि सैम के मॉम डैड पहले से ही शादीशुदा है, तो सैम की मॉम को तो पता ही होगा कि नया नवेली दुल्हन पहली बार अपने ससुराल जाने के बाद क्या क्या करती है और ये बात वो टैन को भी सिखा दे, साथ में टैन को थोड़ा अच्छे से तैयार भी कर दे। खैर अभी आ जाते हैं स्टोरी में। दिखाया जा रहा है सैम का डैड सैम की मॉम को टैन और बाईजिन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा था कि ये मेरी वाइफ है जीहू। जीहू तब टैन और बाईजिन को हेलो कहती है। टैन जीहू को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि कितनी खूबसूरत है। टैन तब जीहू के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तब बाईजिन टैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे हैंडशेक नहीं करने देता और टैन गुस्से में बाईजिन को देखने लगता है। बाईजिन तब बहाना मारते हुए टैन से कहने लगता है कि टैन तुम्हारा ये कपड़ा ठीक नहीं है, ऐसे कपड़े के साथ तुम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। टैन तब गुस्से में बाईजिन से कहने लगता है कि हैंडशेक करने के लिए मेरा कपड़ा बीच में कहाँ से आ गया। ये देखकर मैं तो टैन को एक ही बात कहूंगी कि टैन बाईजिन जेलस फील कर रहा है कि तुम किसी खूबसूरत लेडी को देखकर स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके तरफ आगे कर रहे हो, तुम ये बात कब समझोगे। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है कि सैम के मॉम डैड टैन और बाईजिन बैठे हुए थे जहाँ सैम के डैड उन दोनों से कह रहे थे कि आप लोगों को जो भी पूछना है कि पहली बार अपनी ससुराल जाने के बाद क्या करना चाहिए और पहली बार अपनी सास ससुर से मिलने के बाद क्या क्या करना चाहिए आप सब मेरी वाइफ से पूछ सकते हो, मेरी वाइफ को सब मालूम है। तब सैम की मॉम कहती है कि नहीं, मुझे भी पहली बार खास कुछ मालूम नहीं था, मैंने तो ऑनलाइन देखकर सीखा है कि क्या कैसे करते हैं एक नई नवेली दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है। तब सैम की मॉम टैन को बताने लगती है कि उसे क्या क्या करना चाहिए अपने ससुराल जाने के बाद, जैसे कि फर्स्ट आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, सेकंड आपको अपने ससुराल में सबके लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट ले जाना होगा और थर्ड ससुराल जाने के बाद कोई भी बेवकूफी वाला हरकत नहीं करना। तब हम टैन को देखते हैं जिसे ये सारी बातें सुनकर उसे नींद आ जाती है और उसके बदले बाईजिन जो बहुत ही ध्यान से सैम की मॉम की बातों को सुन रहा था और समझ रहा था। तब सैम का डैड सैम की मॉम के हाथ को पकड़ के कहने लगता है कि आपको तो सब याद है, आपने पहली बार कितने अच्छे से किया था ये सब। सैम की मॉम तब शर्माते हुए कहती है कि आप भी ना क्या कह रहे हो। फिर वो दोनों लबी डबी होने लगते हैं और बाईजिन उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख रहा था। फिर तब बाईजिन टैन की तरफ देखने लगता है ये सोचते हुए कि वो लोग भी थोड़ा लबी डबी हो जाते तो कितना अच्छा होता, पर टैन जो उबासियां लेने में व्यस्त था। तब रिंग एक्टिवेट होकर कहने लगती है कि बीन टैन और बाईजिन आप दोनों को मुबारक टास्क कंप्लीट करने के लिए, ये सीखने के लिए कि जब
जब अजीब सा दिखने वाला दुल्हन जाएगा अपने ससुराल, तब उसे क्या क्या करना चाहिए? तो फिर अभी आप बिल्कुल तैयार हो अपने सास ससुर से मिलने के लिए? टेन तब गुस्से में रिंग से कहने लगता है कि हे, तुमने मुझे फिर से अजीब सा दिखने वाला दुल्हन कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं हैंडसम हूँ हैंडसम? और बाजिन लाइक बिल्कुल, टेन तो है ही मेरा हैंडसम सा हस्बैंड। खैर तब हम संग और संग के डैड को देखते हैं जो संग की मॉम से कह रहे थे कि आज तुम्हें बहुत सारा काम है, तो क्या आज हम सब बाहर खाने के लिए चले? संग तब अपने मॉम से कहता है कि मॉम चलो ना, हम सब आज बाहर चलते हैं। तब संग की मॉम उन दोनों से कहने लगती है कि नहीं, मुझे सच में आज बहुत सारा काम है, तो आप दोनों ही बाहर खाना खाने के लिए चले जाओ, मैं नहीं आ सकती। तब ये कहते हुए संग की मॉम अपने कमरे के अंदर जाने लगती है क्योंकि उसे तैन को भी तो तैयार करना है उसकी तैयारी करने के लिए। और संग अपने डैड से पूछने लगता है कि डैड, क्या मॉम मुझे पसंद नहीं करती? सम के डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम सिर्फ बिजी है। तब हम सम के मॉम को देखते हैं जो अपने कमरे में आकर मिरर में खुद को देखते हुए कहने लगती है कि सॉरी सम और सम के डैड, और वो तब फुट फुट कर रोने लगती है। तो यहाँ सम की मॉम अपने ही बेटे को और हस्बैंड को अवॉइड क्यों करती है और अपने ही बेटे और हस्बैंड से छुप कर माफी क्यों मांग रही है? इसका कारण ये है कि ये औरत एक्चुअली में संग की मॉम और संग के डैड का वाइफ है ही नहीं, बल्कि ये कोई औरत है ही नहीं, ये तो एक्चुअली में संग की मॉम की जुड़वा भाई है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, संग की मॉम की ट्विंस ब्रदर, और वो दिखने में बिल्कुल संग की मॉम की तरह ही है। तो इसी कारण संग की डैड अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ संग की मॉम नहीं बल्कि संग की मॉम का जुड़वा भाई रह रहा है इतने सालों से, और इसी कारण ही संग की मॉम का जुड़वा भाई संग की डैड और संग को अवॉइड करता आ रहा है। और ऐसा करने के कारण संग को इतने दिनों से लग रहा है कि उसका मॉम उसे पसंद नहीं करती। तो फिर यह सवाल ये उठता है कि संग के मॉम का जुड़वा भाई संग के मॉम की प्लेस में कर क्या रहा है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में, तो चलो चलते हैं। दिखाया जा रहा है संग की जो मॉम है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपने मैजिक से आसमानों में उड़ रही थी, और उड़ते उड़ते वो संग के डैड से जाकर टकरा जाती है। तब संग का डैड संग की मॉम को थामते हुए कहने लगता है कि अरे, आप तो जी फैमिली की डॉटर हो ना, मैं आपके पड़ोस में अभी अभी ही आया हूँ, मेरा नाम जियान है और आपका? संग की मॉम तब शर्माते हुए कहती है कि मेरा नाम जीहू है। तब वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और उन दोनों को प्यार हो जाता है, और वो लोग अक्सर ही तब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे। फिर संग की मॉम संग के डैड को उसकी ट्विंस ब्रदर से भी मिलवाती है, और सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन संग के जन्म के समय संग की मॉम बहुत ही बीमार पड़ जाती है, और संग को अपनी गोदी में लेकर बहुत ही बीमार हालत में अपनी ट्विंस ब्रदर को कहने लगती है, भाई आज से संग तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम मेरे बेटे को अपने बेटे जैसा पालना, उसे अच्छा घर अच्छा परवरिश देना, आज से तुम्हें मेरे परिवार को संभालना पड़ेगा, आज से तुम्हें मैं बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरा प्लेस लेना होगा। तब हम संग के मॉम को देखते हैं जो बहुत ही बीमार थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके सर में पट्टियां बंधी हुई थी। ये था फ्लैशबैक। अभी आ जाते हैं फ्लैशबैक से बाहर, जहाँ संग की मॉम का जुड़वा भाई जिसे हम संग की मॉम ही बुलाएंगे ठीक है, जो मिरर पे खुद को देखते हुए कह रहा था कि मैंने मेरे बहन से प्रो
उसका जिंदगी जीऊंगा। अगर कभी मेरा सच्चाई संघ और संघ के डैड के सामने आ जाए तो फिर इस परिवार का क्या होगा? वो लोग तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं उन लोगों को खोना नहीं चाहता। तब हम संघ और संघ के डैड को देखते हैं, जहाँ संघ कह रहा था कि डैड, तो फिर हम दोनों ही बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। तब संघ की मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती है और संघ और संघ के डैड को थोड़ा अवॉइड करते हुए अपने काम में चली जाती है। और संघ के डैड संघ की मॉम को देखते हुए सोचने लगते हैं कि तुम हमें कब समझोगी। उसी वक्त टैन भी तैयार होकर निकलता है, जिसे देखकर बाईजिन तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि टैन बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और साथ में स्टाइलिश लग रहा था, जो बाईजिन के सामने आकर खुद के ऊपर ही गर्व करते हुए अपना नाक ऊंचा करते हुए बाईजिन से कहने लगता है कि बाईजिन, अभी तो तुम्हारा माताजी और पिताजी मुझे जरूर पसंद करेंगे। बाईजिन एक अच्छे हस्बैंड की तरह कहता है कि तेन, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। सो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे यहाँ तो गर्भ से लोगों का सीना चौड़ा होता है। शायद चाइना में गर्भ से लोगों का नाक ऊंचा होता होगा। खैर जो भी हो, पर आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विथ मी एंड सी यू।